जो मैंने आपको 2 यूनिट्स पढ़ाई है ना, उन 2 यूनिट्स में 40 नंबर का मैटर अवेलेबल है मिनिमम, ठीक है? तो मिनिमम 40 नंबर तो आपके कवर हो चुके हैं। अब हम लोग यूनिट नंबर 3 की ओर मूव ऑन करने वाले हैं और उसका नाम है बैंड थियोरी। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ बैंड थियोरी क्या होती है। तो अपने सेलेबस मतलब अपने जो क्लासेस है ना उन क्लासेस की यूनिट नंबर 3 रहेगी आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फटाफट से। पीडीएफ तो सुपर कंडक्टिविटी की है बट अपने पास चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है? इसको तो लिखा रहे सुपर कंडक्टिविटी। और अपन तो क्या पढ़ेंगे, चला जाओ नीचे। तो अपनी यूनिट नंबर 3 है। अब सिलेबस की यूनिट नंबर आप चेक कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सिलेबस में क्या है, बट अपन जो पढ़ने वाले हैं वो यूनिट नंबर 3 है। 2 हमारी खत्म हो चुकी है और इसका नाम है बैंड थ्योरी। ये बीएससी में भी आप लोग पढ़ते थे, आप लोगों ने इस चीज को बीएससी के अंदर भी पढ़ा हुआ है बैंड थ्योरी को, ठीक है ना? बैंड थ्योरी ऑब्वियस सी बात है, सिंपली आप लोगों ने पढ़ा होगा छोटी क्लास के अंदर, एक होता है कंडक्शन बैंड और एक होता है वैलेंस बैंड, है ना? बट यहाँ पर जो बैंड हम लोग पढ़ने वाले हैं वो एक तरह से इस तरह के बैंड होंगे, दैट इज अलाउड बैंड और फॉरबिडन बैंड, ठीक है? अब हमारे पास ये है बेसिकली कि अलाउड बैंड वो होते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी होती है, मतलब वो ऐसे कुछ एनर्जी स्टेट्स होते हैं जहां पर हमारे इलेक्ट्रॉन्स पाए जाने की संभावनाएं होती है, उन्हें अलाउड बैंड बोलते हैं। हिंदी में आप लोग पढ़ते हैं अनुमत बैंड। अगर आप लोगों ने सॉलिड स्टेट पढ़ी हो छोटी क्लास के अंदर थर्ड ईयर के अंदर, तो वहां पे आप लोग एक वर्ड पढ़ते थे जिसे बोलते थे अनुमत ऊर्जा स्तर, और एक होते हैं फोरबिडन बैंड, ठीक है ना? निषेध, जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। तो ये बात तो श्योर है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एनर्जी लेवल्स में होते हैं, और हर जगह इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। कुछ जगह ऐसी भी होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन होते हैं, कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ किसी मेटल की, किसी सॉलिड की। तो सॉलिड स्ट्रक्चर में ऐसा होता है कि बैंड होते हैं अवेलेबल। अब वो जो बैंड थ्योरी है वो तो आपसे कोई नहीं पूछेगा एग्जाम में, ठीक है? उसको तो भूल जाओ। अब जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना आपका, वो सबसे पहला क्वेश्चन आता है ब्लॉक थ्योरम का। नाम सुना हुआ है क्या आपने ब्लॉक थ्योरम का? पता नहीं तुम लोगों ने बीएससी थर्ड ईयर में पढ़ी थी ब्लॉक थ्योरम, क्योंकि बैंड थ्योरी की जो बेसिक स्टार्टिंग होती है ना वो ब्लॉक थ्योरम से होती है। ब्लॉक थ्योरम ये पहला टॉपिक रहेगा आपका बैंड थ्योरी के अंदर। बैंड क्या होंगे वो तो बाद में समझेंगे, पहले हम लोग समझेंगे ब्लॉक थ्योरम क्या होती है। तो पहले तो मुझे बताओ तुम लोगों ने क्या ब्लॉक थ्योरम का नाम सुना हुआ है क्या कभी, बीएससी थर्ड ईयर सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ठीक है ना? वहां आया करती थी ब्लॉक थ्योरम। तुम लोगों ने पढ़ा होगा पीरियडिक पोटेंशियल, नाम सुना है क्या पीरियडिक पोटेंशियल का? ठीक है, किसी क्रिस्टल के अंदर ना पाया जाता है पीरियडिक पोटेंशियल। पीरियडिक पोटेंशियल क्या होता है कि किसी भी सॉलिड का या क्रिस्टल का या इलेक्ट्रॉन का एक ऐसा पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल मतलब रुकावट। जब इलेक्ट्रॉन होते भी हैं, फिर कुछ समय बाद इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, तो पोटेंशियल जो होता है ना उसके अंदर सॉलिड के अंदर वो पीरियोडिक होता है। एक निश्चित पीरियड के बाद में वो पोटेंशियल रिपीट होता है। मतलब अब आप समझो कि पीरियोडिक पोटेंशियल मतलब क्या होता है, यहाँ पे समझना, यहाँ पे जाओ। पहले तो आप लोग क्वेश्चन लिख लो जो आपके एग्जाम में आता है ना, कुछ इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो आप लोग क्वेश्चन लिख लो, ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चन किस अकॉर्डिंग काम करते हैं आपके एग्जाम में। तो जो क्वेश्चन आपका है वो इस तरह से आता है, एक्सप्लेन द पीरियडिक पोटेंशियल एक्सप्लेन द पीरियडिक कैरेक्टर पीरियडिक कैरेक्टर ऑफ द पोटेंशियल। ऑफ द पोटेंशियल इन अ क्रिस्टल, ठीक
इन क्रिस्टल्स स्टेट एंड प्रूफ स्टेट एंड प्रूफ लॉग थ्योरम इन दिस रेफरेंस इन दिस रेफरेंस तो इस अकॉर्डिंग आपको ब्लॉक थ्योरम भी प्रूफ करनी है. डिफरेंशिएट बिटवीन ब्लॉक इलेक्ट्रॉन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन. डिफरेंशिएट बिटवीन ब्लॉक इलेक्ट्रॉन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन. तो इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है. तो देखो दोनों में बहुत अंतर है, फ्री इलेक्ट्रॉन और ब्लॉक इलेक्ट्रॉन में. और केवल वो अंतर आता है पीरियोडिक पोटेंशियल का, क्योंकि ब्लॉक इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो क्रिस्टल के अंदर पीरियोडिक पोटेंशियल के अंदर मूव करता है. मतलब वो कहीं पर चलता है फिर रुक जाता है, फिर चलता है फिर रुक जाता है. मतलब ब्लॉक इलेक्ट्रॉन की मोशन रेस्ट्रिक्ट होती है और फ्री इलेक्ट्रॉन विदाउट रेस्ट्रिक्शन फ्लो होता है, उसके रेस्ट्रिक्शन कुछ होती नहीं है. तो ये अंतर होता है दोनों में, ठीक है. और ब्लॉक ने ये बात बोली थी कि क्रिस्टल के अंदर जो पोटेंशियल होता है वो पीरियडिक होता है, और एक निश्चित अंतराल के बाद एक फिक्स पीरियड के बाद में वो पोटेंशियल पीट होता है, वही ब्लॉक थ्योरम कहलाती है. और उसका वेव फंक्शन भी दिया था कि जो इलेक्ट्रॉन पीरियडिक पोटेंशियल के अंडर मूव करेगा उसका वेव फंक्शन क्या होगा वो बताएगा आपको ब्लॉक. तो यहाँ पे देखते हैं, इट इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट. सॉल्यूशन कैसे करना है आपको, ब्लॉक थ्योरम प्रूफ कैसे करना है. तो प्रूफ ऑफ द ब्लॉक थ्योरम, इट इज द मैथमेटिकल स्टेटमेंट. देखो अब ये आप देखने के बाद तो जाओगे नहीं क्रिस्टल के अंदर, इसको ब्लॉक ने मैथमेटिकली प्रूफ किया था इसलिए इसको मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन से सॉल्व करते हैं. अदरवाइज आप लोग ब्लॉक्स देखने या फिर पीरियोडिक पोटेंशियल देखने तो जाओगे नहीं क्रिस्टल के अंदर. विच इज रिलेटेड विद द वेव फंक्शन ऑफ विद द वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पीरियोडिक पोटेंशियल. मैंने कहा था ना आपको ब्लॉक थ्योरम जो है ना वो इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन निकालने के काम आती है. उस इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन जो पीरियोडिक पोटेंशियल के अंडर मूव कर रहा है उसका वेव फंक्शन, ठीक है ना. अभी होता क्या है पीरियोडिक पोटेंशियल वो समझो आप लोग. यूजिंग द पीरियोडिक पोटेंशियल यूजिंग द पीरियोडिक पोटेंशियल वी हैव, मतलब क्या होता है ये पीरियोडिक पोटेंशियल समझो आप लोग. वी एक्स मतलब किसी भी एक्स डिस्टेंस पर पोटेंशियल बराबर एक्स प्लस ए पर पोटेंशियल. मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ पर देखो आप मान लो ये कोई पोजीशन है एक्स पोजीशन, इस पर पोटेंशियल आपका वी एक्स है, ठीक है ना. मान लो हमारे पास ये कोई पोजीशन है एक्स पोजीशन, इस पर पोटेंशियल वी एक्स है, लगभग इतना है मान लो इतना है. फिर वही सेम पोटेंशियल अगर मान लो यहां पर भी हो जाए,
ये ए डिस्टेंस मान लेते हैं हम लोग, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी मान लेते हैं हम लोग, ए मान लेते हैं। तो जो पोटेंशियल वी एक्स पर है, अगर वही पोटेंशियल वी एक्स प्लस ए पर होगा तो इसे हम क्या बोलेंगे, पीरियोडिक पोटेंशियल बोलेंगे। मतलब कि इस रेंज में तो पोटेंशियल है हमारे पास, वी इज नॉट इक्वल टू जीरो, बट जब इस रेंज की बात आएगी ना, फिक्स रेंज की, तो यहाँ पर वी बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। फिर वापस से वही रिपीटेशन, ठीक है, फिर वही सेम रिपीटेशन, फिर वही सेम रिपीटेशन, ऐसे चलता रहेगा ये। सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पीरियोडिक पोटेंशियल, ठीक है ना। इस तरह का स्ट्रक्चर क्या फॉलो करता है, पीरियोडिक पोटेंशियल। ये वी एक्स प्लस ए मान लो, वी एक्स प्लस थ्री ए मान लो, इट जस्ट इक्वल टू वी एक्स प्लस एन ए मान लो। एक्स प्लस ए पर भी वही पोटेंशियल है, एक्स प्लस टू ए पर भी वही पोटेंशियल है, एक्स प्लस थ्री ए पर भी वही पोटेंशियल, मतलब सेम पोटेंशियल काम कर रहा है, ए पर, टू ए पर, थ्री ए पर, बढ़ाते जाओ। तो इसे बोलते हैं पीरियोडिक पोटेंशियल, ठीक है ना। ए इज द पीरियड, दैट इज डिस्टेंस पीरियड। यहाँ पर ए क्या है मेरे पास, एक पीरियड है, वो भी किसका पीरियड है, डिस्टेंस का पीरियड है। टाइम, एक होता है टाइम पीरियड, वो टाइम का होता है कि भाई निश्चित टाइम ड्यूरेशन के बाद में वापस रिपीट हो, बट ये टाइम का नहीं है, ये किसका है, ये डिस्टेंस का है। तो दिस इज डिस्टेंस पीरियड, तो ये डिस्टेंस की फॉर्म में वेरी करेगा, इट जस्ट लाइक डिस्टेंस, ठीक है। तो एक तो ये चीज होती है। अब इसको सॉल्व करना है आपको, तो बीच में तो इलेक्ट्रॉन का वेव पोटेंशियल जीरो है। अब यहाँ पे आ जाओ थोड़ा सा, अब मैं आपको लेके चलूंगा क्वांटम के अंदर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक क्वांटा पार्टिकल है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की मोशन का स्टडी हमें श्रोडिंगर इक्वेशन से करना पड़ेगा। सो नाउ वी नो, सो यूजिंग वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन, यूजिंग वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन, क्योंकि किसी मोशन का स्टडी इसी से करते हैं, क्वांटा पार्टिकल की मोशन का। वो क्या होती है मेरे पास, माइनस का एच कट स्क्वायर अपॉन टू एम, एंड अगर आपका पार्टिकल वन डायमेंशनल मोशन कर रहा है तो फिर यहाँ पे केवल एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, अगर वो वाई में कर रहा है तो फिर वाई वाला कंपोनेंट भी आएगा, और अगर वो जेड में भी कर रहा है तो फिर यहाँ पर जेड वाला कंपोनेंट भी आएगा, तो तीनों कंपोनेंट वहाँ पे आ जाएंगे। प्लस पोटेंशियल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एनर्जी आएगी वैल्यू। अब अगर मान लो पार्टिकल फ्री है और पोटेंशियल जीरो है उसका, ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, फ्री पार्टिकल, जो कि देखो बीच में आप लोग देख लो, फ्री पार्टिकल है, फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन। अब हम जानते हैं कि ये बन जाएगी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, और हम लोग इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये सब क्वांटम में किया हुआ है आप लोगों ने, तो डी टू अपॉन ये बराबर जीरो से सॉल्व करते हैं, वेयर के इज इक्वल टू प्रोपगेशन कॉन्स्टेंट अंडर रूट टू एम ई अपॉन एच कट स्क्वायर। ये बात हम जानते हैं, ए का वैल्यू क्या होता है, इस तरीके से काम करता है प्रोपगेशन कांस्टेंट की फॉर्म में, और ये एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको आप लोग सिंपल सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। द सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन इज अ वेव फंक्शन, इज अ वेव फंक्शन, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है श्रोडिंगर को सोल्व करके वेव फंक्शन निकालते हैं हम लोग, ठीक है ना, और ये सेकंड ऑर्डर है, तो इसके दो सॉल्यूशन होंगे, हैविंग टू पॉसिबल सॉल्यूशन, हैविंग टू सॉल्यूशंस, ये क्वांटम में आप लोग निकाला करते हो बीएससी के अंदर, थर्ड ईयर के अंदर। तो ये प्लेन वेव फंक्शन कहलाता है, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं ना हम लोग, तो फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए ये कहलाता है प्लेन वेव फंक्शन। दिस इज अ प्लेन वेव फंक्शन वैलिड फॉर अ फ्री इलेक्ट्रॉन हैविंग द पोटेंशियल जीरो, सो दिस इज अ कॉल्ड सिंपली प्लेन वेव फंक्शन।
इसको आप लोग क्या बोल सकते हो, प्लेन वेव फंक्शन भी बोल सकते हो। हाँ तो ये तो वो बात हो गई जब फ्री इलेक्ट्रॉन की बात हो गई, मतलब ये फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए काम कर रहा है। बट अब मैं बात करने वाला हूँ ब्लॉक इलेक्ट्रॉन की। ये फ्री इलेक्ट्रॉन है क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन प्लेन वेव को फॉलो करता है, बट जब बात की जाएगी ब्लॉक इलेक्ट्रॉन की तो ब्लॉक इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन भी होता है और साथ में ऐसा इलेक्ट्रॉन भी है जो किसी पोटेंशियल के अंडर मूव कर रहा है। तो उस ब्लॉक इलेक्ट्रॉन के पास में एक तो पोटेंशियल जीरो होता है और एक होता है पोटेंशियल अवेलेबल किसी पीरियड ए के बाद में, उसे बोलते हैं ब्लॉक इलेक्ट्रॉन। अब मुझे करना पड़ेगा इस वेव फंक्शन में मॉडिफिकेशन। ये तो वेव फंक्शन निकाला ना प्लेन वेव फंक्शन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए, बट अगर मैं इसको मॉडिफाइड कर दूं और इसको उस तरह से कन्वर्ट कर दूं कि ये पीरियोडिक पोटेंशियल के अंडर मूव करे, तो मुझे इसके अंदर पोटेंशियल की टर्म को ऐड करना पड़ेगा। और ये काम किसने किया, ये ब्लॉक ने किया। तो ब्लॉक ने एक बात बोली कि आज तक जो तुम मानते हुए आए हो कि मेटल के अंदर या क्रिस्टल के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, वो सारी बातें गलत है। ब्लॉक ने क्या बात बोली कि मेटल या किसी क्रिस्टल के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता, वो कम्प्लीटली फ्री नहीं होता, उसके पास में रेस्ट्रिक्शंस होती है, उसके पास में पोटेंशियल होता है और इसे बोलते हैं पीरियोडिक पोटेंशियल। मतलब मेटल या क्रिस्टल के अंदर इलेक्ट्रॉन पीरियोडिक पोटेंशियल के अंडर मूव करता है, है ना। आप लोग बचपन में पढ़ते हो ना कि मेटल वो होता है, कंडक्टर वो होता है या क्रिस्टल वो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करता है, ठीक है, इसलिए उसमें कंडक्टिविटी आती है, ये सब आपकी बातें थी बचपन की। बट अगर देखा जाए एक्चुअली में तो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, उसके अंदर पीरियोडिक पोटेंशियल होता है। तो ये बात किसने बोली, ब्लॉक ने बोली। और ब्लॉक ने एक स्टेटमेंट दिया था और वो स्टेटमेंट आप लोग लिख लो, ये ब्लॉक का स्टेटमेंट है। अकॉर्डिंग टू ब्लॉक थ्योरम, क्या बात बोलता है ब्लॉक, द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, इज अ प्लेन वेव फंक्शन। ये बात तो सही है, ठीक है, पर इसको आपको मॉडिफाइड करना पड़ेगा क्योंकि ब्लॉक ने क्या बोला कि ये कंप्लीटली प्लेन वेव फंक्शन नहीं होता, इसमें कहीं ना कहीं पोटेंशियल भी होता है, विच इज मॉडिफाइड विद U मतलब पोटेंशियल, K मतलब कोई प्रोपोगेशन फैक्टर है, और ऑब्वियस सी बात है X पर डिपेंड करेगा बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ना वो हमेशा पोजिशन का फंक्शन होती है। पीरियोडिक फंक्शन मतलब ये जो पोटेंशियल आपने निकाला ये एक पीरियोडिक फंक्शन होगा फॉर द इलेक्ट्रॉन moving in a periodic potential, moving in a periodic potential, ठीक है, that is जो मॉडिफाइड फंक्शन है वो क्या होगा आपके पास में, दैट इज साइन एक्स इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल प्लस माइनस आयोटा के, ये तो आप लोग पता ही है, बट मॉडिफाइड जब करोगे तो उसमें यू के एक्स की टर्म भी आ जाएगी, खत्म काम। तो ये ब्लॉक इलेक्ट्रॉन के लिए वेव फंक्शन होता है। इक्वेशन नंबर टू,
इक्वेशन नंबर एक आपकी ऊपर वाली इक्वेशन आप लोग मान सकते हो, वेयर साइन, वेयर साइन इज अ पीरियोडिक फंक्शन, इज अ पीरियोडिक फंक्शन एंड यूके एक्स is also a periodic function, is also a periodic function. अब देखो यू के एक्स तो नहीं है बिकॉज वो तो पोटेंशियल है और आपका पोटेंशियल वैसे रिपीट हो रहा है ए टाइम बाद, तो ऑब्वियस सी बात है वो तो होगा ऐसे पीरियोडिक. सो सिंपली यू कैन से दैट यू के एक्स प्लस ए वो सेम क्या होगा, यू के एक्स होगा, वो तो पीरियडिक ही सही, ये तो हमारे पास यही सही. तो अगर आपको x प्लस a डिस्टेंस पर निकालना है वेव फंक्शन, मान लो इफ यू वांट टू कैलकुलेट द वेव फंक्शन एट x प्लस a, सो इन इक्वेशन टू यू सिंपली रिप्लेस x बाय x प्लस a, देन यू विल फाइंड द वैल्यू साइन x प्लस a. तो आपको अगर x प्लस a पर वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करो, x को x प्लस a से रिप्लेस कर दो. तो ये कितना हो जाएगा आयोटा के, ये भी हो जाएगा एक्स प्लस ए और ये कितना हो जाएगा यू के एक्स प्लस ए. अब यू के एक्स प्लस ए को आप यू एक्स लिख सकते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. और गुणा में घाते जुड़ती है तो जुड़ी हुई घाते अलग अलग भी हो सकती है, तो जुड़ी हुई घाते अलग अलग कर लो आप लोग. और ये कितना हो जाएगा माइनस आयोटा के, और यू एक्स प्लस ए को इक्वेशन नंबर तीन से वैल्यू पुट करोगे ना आप लोग, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास ए और यू के एक्स प्लस ए बराबर क्या होता है, यू के एक्स एक्स होता है. ये वाली चीज और ये वाली की ये क्या बन गई, देखो इधर इक्वेशन नंबर टू में देख लो आप लोग, फ्रॉम इक्वेशन टू यू कैन सिंपली सी दैट दिस इज अ साइन एक्स फ्रॉम इक्वेशन टू. This simply sin x. इसका मतलब अब sin x plus a भी क्या हो गया, एक periodic function हो गया और उसका period इस तरह से निकल के आ चुका है. This simply like this. तो ये block electron wave function कहलाता है. यहाँ पर ये जो होता है ना block function, वो इस चीज को lambda बोल देते हैं अपन लोग, ठीक है ना. So it simply written as lambda multiply with the sin x. इसको हम सिंपली लैम्डा बोल सकते हैं, ठीक है. और ये कहलाता है ब्लॉक फंक्शन, इसे बोलते हैं ब्लॉक फंक्शन, सिंपली लाइक ब्लॉक फंक्शन, ठीक है. ये जो लैम्डा लिखा आपने, ये लैम्डा एक कांस्टेंट वैल्यू कहलाती है और लैम्डा बराबर क्या होता है, एक्सपोनेंशियल प्लस माइनस आयोटा के ए. ये एक ब्लॉक फंक्शन की फॉर्म में इस तरह से काम करता है, ठीक है. और साइन एक्स प्लस एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसे ब्लॉक फंक्शन ही बोल सकते हैं, या फिर ब्लॉक इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन ब्लॉक फंक्शन कहलाता है. क्या बोला मैंने, ब्लॉक इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन ब्लॉक फंक्शन कहलाता है. तो आप इसे ब्लॉक इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन बोल सकते हो. साइन एक्स प्लस है सिंपली है ब्लॉक इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन, और ये भी ब्लॉक इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन है, साइन एक्स भी ब्लॉक इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन है. और ये जो इक्वेशन नंबर एक लिखी ना मैंने, ये प्लेन वेव फंक्शन फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए काम कर रहा है. तो ये डिफरेंस है फ्री इलेक्ट्रॉन में और ब्लॉक इलेक्ट्रॉन में, कि फ्री इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फ्रीली काम करता है और ब्लॉक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पीरियोडिक पोटेंशियल के अंडर मूव करता है. ये वाली बात. अब इसका आप लोग प्रूफ लिखेंगे या ओरिजिन लिखेंगे, थोड़ा और इसको एक्सप्लेन करेंगे हम लोग, ठीक है. तो राइट अ हेडिंग ओरिजिन ऑफ ब्लॉक थ्योरम. कहां से आती है ब्लॉक थ्योरम, क्यों आती है ब्लॉक थ्योरम, देखो इसको प्रूफ करते हैं थोड़ा सा. वी नो दैट श्रोडिंगर इक्वेशन इज अ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. श्रोडिंगर इक्वेशन
इज अ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, सो इट हैज टू पॉसिबल सॉल्यूशंस, सो इट हैज टू पॉसिबल सॉल्यूशन। देखो ये बात आप बचपन से पढ़ते हुए आए हो कि श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, तो जिसके दो सॉल्यूशन होते हैं। मैंने ऊपर भी लिखे थे, वो आप यहाँ भी लिखे थे, दो सॉल्यूशन, एक्सपोनेंशियल प्लस आयोटा के एक्स, जो ये बताता है कि आपका वेव फंक्शन प्लस एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा है, क्योंकि के क्या था, प्रोपोगेशन कॉन्स्टेंट। तो अगर के वाला पार्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब आपका इलेक्ट्रॉन प्लस एक्स मूव कर रहा है। और दूसरा होता है माइनस आयोटा के एक्स, जिसमें के माइनस होता है, मतलब प्रोपोगेशन माइनस में। तो जो ये बताता है आपको कि आपका इलेक्ट्रॉन माइनस एक्स मूव कर रहा है, तो ये पॉसिबिलिटीज कहलाती है। वेव फंक्शन सिंपली क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि आपका जो पार्टिकल है वो प्लस एक्स में भी मूव कर सकता है और माइनस एक्स में भी मूव कर सकता है। तो इस तरीके से किसी भी श्रोडिंगर इक्वेशन के दो सॉल्यूशन होता है, एक तो प्लस एक्स से करस्पॉन्डिंग और एक माइनस एक्स से करस्पॉन्डिंग। अब यहां मैंने क्या मान लिया, टू पॉसिबल सॉल्यूशंस, लेट जी एक्स एंड एच एक्स, ये मान लिया मैंने यहाँ पे। सपोज तो वी कैन राइट जी वी कैन राइट वेव फंक्शन साइन एक्स एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन, एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ जी एक्स एंड एच एक्स। आप लिख सकते हो, बचपन से लिखते हुए आप, तो कैसे लिख सकते हो, साइन इज इक्वल टू ए जी एक्स एंड बी एच एक्स। आप लोगों ने लिखा होगा, क्वांटम के अंदर से लिखते हो ना आप लोग, साइन बराबर ए एक्सपोनेंशियल प्लस आयोटा के एक्स प्लस बी एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के एक्स। तो ये ए और बी आप लोग मन से लगाते हो कॉन्स्टेंट, ठीक उसी प्रकार से आप इसको लिख सकते हो एच एक्स और जी एक्स का लीनियर कॉम्बिनेशन, क्योंकि अब आपके पास में दो पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं। सो हियर ए एंड बी आर सिंपली कॉल्ड कॉन्स्टेंट्स। ए और बी को मैं क्या बोल दूंगा यहाँ पे, सिंपली कॉन्स्टेंट्स बोल दूंगा, ठीक है। एज वी नो दैट, अगर आप लोग को एक्स प्लस ए पर लिखना है यही वेव फंक्शन, सो एज वी नो दैट एज वी नो दैट द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अंडर पीरियोडिक पोटेंशियल, इज अंडर पीरियोडिक पोटेंशियल। आप ये बात जानते हो कि अपना इलेक्ट्रॉन जो है ना वो पीरियोडिक पोटेंशियल के अंडर मूव कर रहा है। सो आफ्टर ए पीरियड, सो आफ्टर ए पीरियड, तो ए पीरियड को क्रॉस करने के बाद में जी एक्स प्लस ए एंड एच एक्स प्लस ए, ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, दो सॉल्यूशन हो जाएंगे, जी एक्स प्लस ए एच एक्स प्लस ए आर ऑल्सो आर ऑल्सो सॉल्यूशन ऑफ वेव फंक्शन, सॉल्यूशन ऑफ वेव फंक्शन साइन एक्स प्लस ए। मतलब अगर आपको एक्स प्लस ए पर निकालना है
ये हो जाएंगे सॉल्यूशन इसके, मतलब कि ये देख लो इधर, ये तो साई एक्स पर है, यही सॉल्यूशन अगर आपको साई एक्स प्लस ए पर निकालना तो क्या हो जाएगा वो साई एक्स प्लस ए इज जस्ट इक्वल टू द ए जी एक्स प्लस ए प्लस बी एच एक्स प्लस ए। मतलब अगर यहाँ पर आपका वेव फंक्शन जी एक्स एच एक्स है तो जी एक्स का मतलब क्या हो गया, वेव फंक्शन यहाँ भी जा सकता है, वेव फंक्शन यहाँ भी जा सकता है, ये एक्स प्लस ए डिस्टेंस है, तो एक्स प्लस ए पर हमारा वेव फंक्शन ऐसे हो जाएगा, तो यहाँ भी जाएगा। अब जी एक्स प्लस ए जो है वो यहाँ पर है, तो जी एक्स प्लस ए जी एक्स और एच एक्स का क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि इस जी एक्स प्लस ए के ऊपर जी एक्स का इफेक्ट भी होगा और एच एक्स का इफेक्ट भी होगा। तो यू कैन राइट जी एक्स प्लस ए एंड एच एक्स प्लस ए इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ जी एक्स एंड एच एक्स, क्योंकि जी एक्स यहाँ पर है, एच एक्स यहाँ पर है, एच एक्स प्लस ए, तो इस जी एक्स प्लस ए के ऊपर इस वाले फंक्शन का और इस वाले फंक्शन का इफेक्ट तो होगा, क्योंकि यहाँ से वेव जो आ रही है ना वो कुछ यहाँ पर जा सकती है या और कुछ यहाँ पर, तो यहाँ जो बची हुई वेव है ना उस बची हुई वेव का डिपेंडेंसी पुराने वाले वेव के ऊपर होगा। ठीक है, जैसे मान लो आप लोगों ने यहाँ पे 5 रुपये खर्च करने के लिए दिए, उस 5 रुपये में से आप लोगों ने सपोज किया कि 3 रुपये यहाँ जा रहे हैं और 2 रुपये यहाँ जा रहे हैं, ये 3 यहाँ गए 2 यहाँ गए, ये पॉसिबिलिटी है, संभावनाएं हैं। तो अब ये जो बचा हुआ पार्ट है ना जी एक्स प्लस ए पर, यहाँ पर जो पार्ट बचा हुआ है, जैसे मान लो यहाँ पर मान लो आपको 2 रुपये मिल रहा है, तो ये 2 रुपये मिलेंगे या 3 मिलेंगे या 4 मिलेंगे ये डिपेंड करेगा कि ये 3 रुपये यहाँ पे गए या 2 रुपये यहाँ पे गए। तो अल्टीमेटली ये जो पार्ट आपका जी एक्स प्लस ए का बचा या एच एक्स प्लस ए का बचा वो डिपेंड करेगा इस पुराने वाले कॉम्बिनेशन के ऊपर कि ये कितना गया। तो आप लोग सिंपली एक बात लिख सकते हो कि सिंस जी एक्स प्लस ए एंड एच एक्स प्लस ए डिपेंड्स ऑन जी एक्स एंड एच एक्स। अब देखो ये कैसे करेगा डिपेंड, सो ये सिंपली इसे डिपेंड करेगा जी एक्स प्लस ए इट्स जस्ट सिंपली इक्वल टू द कांस्टेंट जी एक्स और प्लस, इसको आप थोड़ा इक्वेशन इक्वेशन नाम दो यार, समझ नहीं आएगा वरना तुम्हारे, इसको नाम दो इक्वेशन नंबर एक, इसको नाम दो इक्वेशन नंबर दो, और ये हो जाएगा अल्फा 2 एच एक्स, इसको 3 नंबर नाम दो, और ठीक सिमिलरली बराबर क्या हो जाएगा बीटा 1 जी एक्स प्लस बीटा 2 एच एक्स इक्वेशन नंबर 4। वैल्यूज पुट कर दो, अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2 आर कॉन्स्टेंट्स, यहाँ पर क्या है हमारे पास अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2 आर सिंपली कॉल्ड कॉन्स्टेंट्स। अब आप 3 और 4 से दोनों पुट कर दो, 3 और 4 से वैल्यू 2 में पुट कर दो आप लोग। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस है, यहाँ लिखा हुआ है ए और यहाँ लिखा हुआ है जी एक्स प्लस है, तो अल्फा 1 जी एक्स प्लस अल्फा 2 एच एक्स, यहाँ लिखा हुआ है बी एच एक्स प्लस है, तो एच एक्स प्लस ए का वैल्यू कितना है बीटा 1 जी एक्स प्लस बीटा 2 एच एक्स। अब जी एक्स वाले फैक्टर्स एक तरफ ले लो और एच एक्स वाले एक तरफ ले लो, तो ये जी एक्स को अलग लगा लो और जी एक्स के मल्टीपल क्या हो जाएंगे, ए अल्फा 1 प्लस बी बीटा 1 और ये हो जाएगा एच एक्स ए अल्फा 2 प्लस बी बीटा 2, इक्वेशन नंबर 5 हो गई है। अब हम जानते हैं कि ये जो वेव है वो पीरियडिक पोटेंशियल को फॉलो कर रही है,
इसका मतलब ये ब्लॉक थ्योरम को फॉलो करेगी। सो अल्टीमेटली हमारे पास क्या है, वी नो दैट ब्लॉक फंक्शन इज, थोड़ी देर पहले आपने पढ़ाया ना ब्लॉक फंक्शन, तो वी नो दैट ब्लॉक फंक्शन इज, क्या पढ़ा है आपने ब्लॉक फंक्शन के बारे में, के साइन एक्स प्लस ए बराबर क्या होता है, लैम्डा मल्टीप्लाई विद द साइन एक्स, यही तो पढ़ा है आप लोगों ने इक्वेशन नंबर 6। अब साइन एक्स का वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 से पुट कर सकते हो, सो 1 से वैल्यू 6 में पुट कर दो, तो क्या लिखा हुआ है 1 के अंदर, तो साइन एक्स प्लस ए इज इक्वल टू लैम्डा ए जी एक्स प्लस बी एच एक्स, ये तो लिखा हुआ है। अब आप लोग इक्वेशन नंबर 6 और 7 को, 5 और 7 को कंपेयर करो, इसको और इसको देखो आप, 7 को और 5 को, ठीक है ना। यहाँ पर आपको ये चीज़ मिलेगी, देखो फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 7, फ्रॉम 5 एंड 7, देखो 5 के अंदर भी यहाँ पर लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस है, और 7 में भी क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स प्लस है, यहाँ पर जी एक्स का मल्टीपल है, यहाँ पर भी जी एक्स का मल्टीपल है, वहाँ पर कितना है ए एल्फा वन प्लस बी बीटा वन, और यहाँ पर कितना लैम्डा है, सो ए एल्फा वन प्लस बी बीटा वन, और यहाँ पर कितना है लैम्डा है, यहाँ पर एच एक्स का मल्टीपल देखो कितना है, ए एल्फा टू प्लस बी बीटा टू, और यहाँ आ जाओ एच एक्स का मल्टीपल देख लो, सो ए बीटा वन प्लस बी बीटा टू, और यहाँ पर एच एक्स का मल्टीपल कितना है, थोड़ा इनको एडजस्ट करो इक्वेशंस को, ए वाले कोफिशिएंट एक तरफ रखो तो ए का क्या हो जाएगा लैम्डा माइनस, और बी वाला कोफिशिएंट क्या हो जाएगा बीटा वन बराबर जीरो, और यहाँ पर देखोगे तो ए का कोफिशिएंट बीटा वन है, और यहाँ पर कितना है बी का कोफिशिएंट, बी का क्या हो जाएगा हमारे पास बी का हो जाएगा हमारे पास बीटा टू माइनस लैम्डा। इन दोनों इक्वेशन को अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहो, इन मैट्रिक्स फॉर्म इन दोनों को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दो, कैसे लिखोगे आप लोग, मैट्रिक्स फॉर्म में क्या लिखते हैं, 2x2 की मैट्रिक्स बनेगी आपकी। जैसे मान लो यहां पर कोफिशियंट ए और बी है, और यहाँ भी कितने हो जाएंगे, ए का मल्टीपल एल्फा वन माइनस लैम्डा, बी का मल्टीपल बीटा वन, सी यहाँ पर ए का मल्टीपल बीटा वन, अरे यार बीटा वन नहीं आएगा यहाँ पे, एल्फा टू आएगा, बीटा वन ओके एल्फा वन, यहाँ पर क्या लिखा फिर मैंने ए एल्फा टू, ठीक ठीक यहाँ पर गलत लिख गया मैंने, यहाँ पर क्या आएगा एल्फा टू आएगा, यहाँ पर आएगा एल्फा टू, ठीक है यहाँ पर आएगा एल्फा टू, ठीक है ओके, यहाँ पर क्या आएगा एल्फा टू आएगा, ठीक है ना, और यहाँ पे कितना जाएगा बीटा टू माइनस लैम्डा बराबर सी, करेक्ट कर लेना आप लोग, ठीक है। सो अल्टीमेटली ए और बी तो जीरो हो नहीं सकते, यहाँ पर ए और बी नेवर बी जीरो, सो जीरो क्या होगा यहाँ पे एल्फा वन माइनस लैम्डा और बीटा वन, यहाँ पे एल्फा टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा बीटा टू माइनस लैम्डा। अब ये डिटर्मिनेंट हो गया, इसको आप लोग सोल्व करो, सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, इसको सोल्व करके लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करो, सो लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस माइनस एल्फा वन प्लस, ये बनेगी लैम्डा में 2 पावर की इक्वेशन, बना के देख लेना, उस लगा देना श्रीधराचार्य फॉर्मूला, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, ये प्लस होगा यहाँ पे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, सो एल्फा वन प्लस
एल्फा टू का होल स्क्वायर माइनस 4 1, और एल्फा 1 बीटा 2 माइनस बीटा 1 एल्फा 2, ये बचेगा अपॉन 2a, 2a मतलब 2 मल्टीप्लाई विद 1। तो ये दो पावर बनेगी, क्वेश्चन को सोल्व करो तो आएगा। अब यहाँ पर एक और चीज निकल के आएगी, वो आप लोग कल मुझे बताओगे कैसे आती है, वो बीएससी से आती है। इफ एल्फा 1 बीटा 2 माइनस बीटा 1 एल्फा 2 बराबर 0, सॉरी 1, ये यहाँ पर 1 होता है, ठीक है ना। और इसको भी करेक्ट कर ही लो, हाथों हाथ ही आप लोग इसको एल्फा 2 लिख दो। क्या लिखा हुआ है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है ये एल्फा 2, ऊपर भी करेक्ट कर लो, थोड़ा सा ऊपर गलती हो गई थी अपन से कंपैरिजन करने में, यहाँ पे एल्फा 2 लिखना था। अब ठीक है, क्योंकि इस इक्वेशन में ऊपर आओगे ना, आपने यहाँ पे एल्फा 2 लिखा हुआ है ना, इस वजह से यहाँ पे नीचे भी क्या आ जाएगा, एल्फा 2 आ जाएगा। और आप जब सोल्व करोगे इसको कितना आएगा, अब इसकी वैल्यू है ना 1 होती है, आपको याद रखनी है, क्योंकि ये बीएससी में लिखा हुआ है कैसे आती है। तो आप लोग एक बार बीएससी के नोट्स देखना, सो फ्रॉम बीएससी, वहां से आपको रीजन मिल जाएगा। इसका भी एक होता है डिटेल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन आपको कोई काम का नहीं है, इसलिए आप लोग मत करना उस सॉल्यूशन को, बस आप लोग याद रख लो कि इसकी वैल्यू 1 होती है। सो लेमडा बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, एल्फा 1 बीटा 2 प्लस माइनस अंडर रूट एल्फा 1 प्लस बीटा 2 का होल स्क्वायर माइनस 4। ये लेमडा आ गई हमारे पास, ये लेमडा की वैल्यू आ गई, जो ब्लॉक फंक्शन है ना उसमें लेमडा की वैल्यू ये है। अब इस लेमडा के दो वैल्यूज होते हैं, दो मान पॉसिबल होते हैं, वो मैं आपको कल बताऊंगा, इसका डिस्क्रिप्शन, इसका रिजल्ट एंड डिस्कशन कि दो वैल्यूज कैसे कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो वो हम कल डिस्कस करेंगे, आज के लिए इतना ही काफी है। ब्लॉक थ्योरम ऑलमोस्ट खत्म है आपकी, ठीक है। अब इसको डिस्क्राइब मैं कल करूंगा कि लेमडा के वैल्यूज क्या बता रहे हैं। फिर इसके बाद में पढ़ेंगे क्रोनिग पेनी मॉडल, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। ठीक है, तो